इस वक्त की बड़ी खबर जानी है, भटिंडा से खबर मिल रही है। यहां महिंद्रा ऑटोमोबाइल की एजेंसी में भयंकर आग लग गई है और आग बुझाने में दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। कई गाड़ियां और वहां पर पहुंच रही हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और अब तक जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, इस आगजनी में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि महिंद्रा एजेंसी में रखी गई कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। सुबह 5 बजे ही यह भीषण आग लगी है और इसके बाद इसकी लपटें और ज्यादा तेज होती चली गई है। आसपास के और जो प्लांट्स थे और वहां प्रोजेक्ट्स थे उनको भी इसने अपनी जद में लिया है। हालांकि आग के कैसे लगी है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन फिलहाल कोशिशें इस बात को लेकर के चल रही हैं कि कैसे इस भीषण आगजनी पर काबू पाया जाए। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप ये पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये भयावहता नजर आ रही है आगजनी की और इस आगजनी में करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान अब तक जताया जा चुका है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो कारें रखी हुई थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और करोड़ों के नुकसान की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। और आपको ये पता चला कि महिंद्रा एजेंसी है यहाँ पर और उसी में ये आग लगी है और जो भी कार यहाँ पर रखी हुई थी वो सब जलकर राख हो चुकी हैं। महिंद्रा ऑटोमोबाइल हमारे साथ हमारे संवाददाता देवानंद जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। देवानंद, क्या इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह की कोशिशें वहां पर चल रही हैं? अभी वहाँ पर जो महिंद्रा कंपनी की गाड़ियां वहाँ पर सभी गाड़ियां सुबह हो गई हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने पूरी कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अभी तक कुछ कारणों का पता नहीं चल सका, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले एक आदमी ने बताया कि सुबह पहुंचे 5 बजे पता चला भी धुआं निकलता है, उसने उस वक्त मालकों को फोन किया, लेकिन उनका कहना था मालकों के फोन बंद आ रहे थे, लेकिन लोगों ने दमकल की गाड़ी बात आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और कुछ कमी है, तो लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि उसमें गाड़ियों से काफी नुकसान आ गया, कंपनी को काफी नुकसान हो चुका है, सभी गाड़ियां नुकसान गई है। जी, जाने नुकसान की कोई खबर तो नहीं है, कोई अंदर फंसा हुआ तो नहीं है, ऐसी स्थिति है क्या? जी देव, के आसपास कोई कॉलोनी ऐसी स्थिति आबादी की वाली स्थिति तो नहीं है जहाँ के खतरा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात हो? नहीं बिल्कुल, क्योंकि कुछ घर हैं वहाँ पे आसपास में वहाँ, लेकिन लोगों को कहना कि अभी वहाँ पर आग नहीं गई है, केवल एजेंसी के पास ही, क्योंकि जब भी वहाँ पर लोगों को पता चला तो कंप्लीट कर रही है, लोगों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।